सब्सक्राइब करें हमारे चैनल लेडीज स्पेशल को और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आप हमारी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पा सकें। नमस्कार दोस्तों, लेडीज स्पेशल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम बताएंगे आपको सेमी पटियाला सलवार की कटिंग। सबसे पहले नाप जान लेते हैं। जो हमारा नाप होगा, लेंथ हमने 35.5 रखनी है। जो मोरी का नाप होगा वो 7 इंच होगा और जो बेल्ट रखेंगे वो 26 इंच रखेंगे। तो इस नाप के अकॉर्डिंग दोस्तों हम कटिंग करेंगे। दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको हर वीडियो की अपडेट मिलती रहे। तो सबसे पहले मैं आपको कपड़े के बारे में बताना चाहूँगा। यहाँ पे जो मैंने कपड़ा लिया हुआ है वो लिया हुआ है 2.5 मीटर। 2.5 मीटर में से हम सेमी पटियाला सलवार की कटिंग करेंगे। और कटिंग के लिए फोल्ड करने का तरीका मैं बताऊंगा आपको पेपर के ऊपर, क्योंकि सलवार की जो लंबाई चौड़ाई होती है वो कुछ ज़्यादा होती है कपड़े की, तो इसलिए पूरी कैमरे में नहीं आ पाती। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे पेपर पे समझाना चाहूँगा। जैसे हमारा ये कपड़ा 2.5 मीटर है, यहाँ पे पेपर का फोल्ड करने का तरीका हमें समझना है इसमें, और कुछ नहीं। जैसे ये हमारा कपड़ा सपोज करो 2.5 मीटर है, तो इसको हम इस तरीके से डबल फोल्ड कर लेते हैं। ऐसे यहाँ पे डबल फोल्ड करेंगे। इस प्रकार डबल फोल्ड करने के बाद हम अपनी साइड जो हमारा ये वाला हिस्सा होता है इसको फोल्ड करते हैं इस तरीके से। इसकी कितनी ये कितना फोल्ड करना चाहिए हमें, यहाँ पे जितने हमारी मोरी का नाप होता है। जैसे हमारा मोरी का नाप 7 इंच है, तो जो ये हम फोल्ड करेंगे ये करेंगे हम 6 इंच का, 1 इंच कम, 7 इंच से 1 इंच कम करेंगे। तो यहाँ पे ये 6 इंच का फोल्ड कर देंगे। और फोल्ड करने के बाद प्रेस से अच्छे से कपड़े को इस प्रकार सेट कर लेंगे। अब हमने ऊपर से सीधा कर देना है कपड़े को, इस प्रकार सीधा करेंगे। और कटिंग का मैं आपको तरीका बताऊंगा। जितनी हमें लेंथ रखनी होती है, ऊपर की साइड हमें 4.5 इंच कपड़ा छोड़ना होता है, ये इंच टेप रखना होता है इस प्रकार से। ऊपर की साइड, बाहर की साइड जो हमारा काउंटर है उसके ऊपर आएगा यहाँ पे, यहाँ से हमारा कपड़ा होगा और यहाँ से हम लेंथ रखेंगे जितनी हमें रखनी है। जैसे हमें 35 इंच लेंथ रखनी है ऊपर 4.5 इंच छोड़ के, तो हम यहाँ पे इस प्रकार से 35 पे निशान लगा देंगे इस तरीके से। और यहाँ पे जो मोहरी रखेंगे, जैसे 7 इंच है तो हम यहाँ पे निशान लगाएंगे 8 इंच के ऊपर, 8 इंच के ऊपर, ये हमारा 8 इंच के ऊपर होगा निशान। अब हमें जितना आगे की साइड हमारा कपड़ा बचता है वहाँ पे आसन का निशान जो लगाएंगे 9 इंच के ऊपर लगाएंगे, यहाँ पे लगेगा 9 इंच के ऊपर। और 9 इंच वाले आसन को जो हमने 8 इंच का नीचे निशान लगाया उसको इस प्रकार से मिला लेंगे इस तरीके से। और इसी निशान के ऊपर हम कटिंग करेंगे। ये दोस्तों हमारे पोंचे हो जाएंगे जिनको घुटने बोलते हैं, और ये हमारी कली हो जाएंगी, ये घुटने। इनको आप अलग भी कर सकते हैं, जैसे अलग भी कर लेते हैं इनको कटिंग करके। अगर आप ऐसे ही जोड़ना चाहो तो यहाँ पे सिलाई आ जाती है, जिसमें हमें इंटरलॉक की जरूरत नहीं पड़ती। यहाँ पे इस तरीके से कट लगा देते हैं, जहाँ पे कट होते हैं कट के ऊपर ही यहाँ पे सिलाई का इस तरीके से फोल्ड करके सिलाई हो जाती है इस प्रकार से। तो इस तरीके की सेम की हमारी ये मैंने पेपर पे समझाने की कोशिश की है। इस तरीके से सलवार को कटिंग करने के लिए फोल्ड करते हैं। तो अब मैं आपको जो हमारे पास कपड़ा है उसके ऊपर समझाऊंगा। यहाँ पे दोस्तों इस प्रकार हम डबल फोल्ड कर लेते हैं इस तरीके से कपड़े का, ऐसे ये मैंने फोल्ड कर लिया है यहाँ पे। अब बिल्कुल सीधा बिछाने के बाद इसमें हम यहाँ पे लगाएंगे 6 इंच का फोल्ड इस प्रकार से। जो हमारा 6 इंच का फोल्ड होगा ये पोंचे का फोल्ड होगा। यहाँ पे निशान लगा लेंगे, एक ऊपर एक नीचे, देख लेते हैं ये 6 इंच है यहाँ पे, और इस साइड से भी 6 इंच रखेंगे। इसी निशान के ऊपर हम इस प्रकार ये सेट कर लेते हैं। अब जैसे मैंने बताया था ऊपर की साइड हम इंची टेप रखेंगे यहाँ पे,
4.5 इंच पे, और जितनी हमारी लेंथ होती है, लेंथ है जैसे 35 एंड हाफ, तो यहाँ पे 35 एंड हाफ पे निशान लगाएंगे। बहुत ही आसान तरीका है सेमी पटियाला सलवार कटिंग करने का। यहाँ पे मैंने 35 एंड हाफ पे निशान लगा लिया है। अब जितना हमें आसन रखना है 35 लेंथ के हिसाब से, जो आसन रखते हैं वो 9 इंच का रखते हैं। अगर लेंथ 38 है तो हम 10 इंच का आसन रखेंगे। आसन वाला पॉइंट हमारा इस साइड आएगा, जो ऊपर की साइड है, इधर से आप देख रहे होंगे, यहाँ पे ये 9 इंच पे हम यहाँ पे निशान लगाएंगे। इस निशान को पहले सीधा कर लेते हैं ऐसे। अब यहाँ पे जितना हमारा मोरी का नाप होता है, जैसे 7 इंच है तो हम 8 इंच पे निशान लगाएंगे, 1 इंच एक्स्ट्रा ऐसे, और इस पॉइंट से 8 इंच वाले से जो हमने आसन रखा है वहां पे उसको इस प्रकार से मिला लेंगे। बीच में 2 निशान लगाएंगे, 2 से 3, और इनको स्केल से सीधा करेंगे इस प्रकार। अब देखो दोस्तों, ये हमारी कली हो गई, ये हमारी कली हो गई, जैसे मैंने बताया था कली, ये 2 कली हैं अभी हमारी, 2 और कटिंग होंगी, और ये हमारे पोंचे हो गए जिनको घुटने बोलते हैं, ये वाला फोल्ड जो है। तो इस प्रकार से हमें सेमी पटियाला सलवार कटिंग करनी होती है। इस साइड भी हमारी फोल्ड में करनी रहेगी और उस साइड भी हमारी फोल्ड में करनी आएगी। इसी निशान के ऊपर अब हम कटिंग करेंगे। यहाँ पे हल्की सी हम गोलाई दे देते हैं नीचे की साइड। इस प्रकार से हमने 2 कलियां और पोंचे की कटिंग कर ली है। अब जो आगे का कपड़ा बचता है उसमें से 2 कली हम और कटिंग करेंगे। अब दोस्तों हम यहाँ पे इस प्रकार से जो दो कली हमें और कटिंग करनी है उसके लिए हमने इस प्रकार ये बिछा लेना है। नोक वाला हिस्सा इस साइड रहेगा और जो ऊपर का हिस्सा होता है जिसमें बेल्ट ज्वाइंट होती है वो हमारी राइट साइड रहेगा। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। और इसके ऊपर यहाँ पे हमें जो हमने कली कटिंग की हुई है यहाँ से क्या करना होता है, हमें इस प्रकार से निशान या कट लगाना होता है 1/2 इंच का, ये वाला यहाँ पे ऊपर और नीचे दोनों साइड। इस पॉइंट पे हम यहाँ पे ये रखते हैं नीचे का हिस्सा इस तरीके से और ऊपर का भी। मेरा कहने का मतलब है 1/2 इंच हमने इस साइड चढ़ाना है इस पीस को, जो कि हमारा यहाँ पे ये दबाव होता है ये बिल्कुल अच्छे से सेट आ जाए। और फिर उसके बाद हम बिल्कुल सीधा जैसे हमने कटिंग की थी दोनों पीसों को इस प्रकार मिला लेते हैं ऊपर नीचे के। अब जब हम ऊपर नीचे के पल्ले इस प्रकार मिला लेंगे तो चारों पल्ले, 2 कलियां नीचे हमारी और 2 ऊपर वाली कलियां, चारों कलियां बराबर आ जाती हैं यहाँ पे इस प्रकार से। इसमें हमें कोई निशान लगाने की जरूरत नहीं होती। नीचे से हम सीधा कटिंग करेंगे, यहाँ पे इस प्रकार का हमारा पीस निकलेगा, और ऊपर से हम सीधी कटिंग कर देंगे जहां से हमने 2 कलियों की कटिंग की थी उनके साथ साथ इस प्रकार। ये हमारी दोस्तों दोनों साइड से कटिंग कंप्लीट हो गई है। अब हमारी रह जाती है आसन वाली कटिंग। आसन की कटिंग के लिए हम यहाँ से आसन के साथ साथ इस प्रकार कटिंग करेंगे जो पहले वाली कली है, और हल्का सा हमारा यहाँ से भी कटिंग होगा जो हमने गोलाई देनी होती है इस प्रकार की। इस तरीके से दोस्तों हमने दोनों कलियां, चारों कलियां और जो 2 पोंचे हैं उनकी कटिंग कर ली है। अब रह जाती है हमारी बेल्ट की कटिंग। दोस्तों बेल्ट हमें कटिंग करनी होती है 8.5 इंच चौड़ाई वाली, और जितनी हमारी बेल्ट का साइज होगा उसके हिसाब से, जैसे 26 है तो हम 27 कटिंग करेंगे तब हमारी 26 तैयार आएगी। तो यहाँ पे 8.5 इंच का हम एक निशान यहाँ पे लगा लेते हैं। जितना भी हमारा कपड़ा बचता है और जहां से भी बचता है वहीं पे आपने बेल्ट देखनी होती है। बेल्ट में कोई आड़ा सीधा नहीं देखना होता है। इस प्रकार सीधा कटिंग करेंगे इस निशान से नीचे वाले निशान को। अब आगे का जो हमारा कपड़ा बच जाता है उसको भी हम इस प्रकार सीधा बिछाएंगे ऐसे, और
और इसके ऊपर हम रखेंगे बेल्ट का पीस यहाँ पे इस प्रकार से। अब हमें देखना होता है कि हमें 27 रखनी है बेल्ट, तो हम यहाँ पे इस तरीके से निशान लगाएंगे और यहाँ पे सीधी कटिंग कर देंगे इस प्रकार से, ऊपर का हिस्सा हटा देंगे। तो ये हमारी 27 तैयार बेल्ट कटिंग हो चुकी है इस प्रकार। जो ये कपड़ा बचता है ये हमारा मोरी में काम आ जाएगा, नीचे मोरी जो बनती है। इस प्रकार से दोस्तों हमने बेल्ट की भी कटिंग अपनी कंप्लीट की है। यहाँ पे मैं आपको बेल्ट ऊपर की साइड रख के दिखाऊंगा, बेल्ट हमारी इतने हिस्से में आती है यहाँ तक, बाकी हम सारी प्लेटें डाल देते हैं पूरी कलियों में, जितनी भी ज़्यादा से ज़्यादा प्लेटें डलती हैं वो हमारी आसन से, जो यहाँ पे आसन आता है आसन से 10 से 11 इंच तक डलनी चाहिए। 10 से 11 इंच में हमने सारी ये प्लेट जितना मार्जिन होता है ये कवर करना होता है यहाँ पे प्लेटों में, यहाँ पे हमारी सारी प्लेटें आएंगी इस प्रकार से। और आसन जो हमारा आएगा मैंने आधा इंच ऊपर नीचे चढ़ाया दबाव के लिए, जो हमारा आसन आएगा यहाँ पे नीचे की साइड इतना दबाव रखना है और ऊपर की साइड हम यहाँ पे 14 इंच पे निशान लगाते हैं, तो जो आसन आता है हमारा यहाँ पे दो इंच का ये फोल्ड होगा, आसन आएगा हमारा 14 इंच का तैयार। इस साइड भी 2 इंच का निशान लगाएंगे, ये हमारा फोल्ड के लिए है, जो अंदर की साइड ऐसे फोल्ड करते हैं नेफा, जिसको नेफा बोलते हैं, नेफे वाले निशान को भी हम इस प्रकार से सीधा कर लेते हैं निशान को ऐसे। तो इस तरीके से दोस्तों हमने पूरी सलवार की अपनी ये कंप्लीट कटिंग की है। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर व लाइक जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।